अंधी बंदी हो रही है क्या? तुझे मरने के लिए मेरी गाड़ी मिली, तुमने ब्रेक क्यों मारी? ये गाड़ी मेरे ऊपर चढ़ा देते ना। अबे भाई दुनिया की गाड़ी है मरने के लिए, तुझे मेरी गाड़ी मिली क्या मरने के लिए? प्लीज मैं बहुत देर से वेट कर रही हूँ, कोई गाड़ी नहीं आ रही यहाँ पे। तुम पहले इंसान हो, प्लीज एक एहसान कर दो, ये गाड़ी मेरे ऊपर चढ़ा दो प्लीज। अच्छा तू चाहती है मैं तेरे को गाड़ी से उड़ा दूँ और तू मेरे सर हो जाए और पैसे लेके रफा दफा हो जाए? नहीं मुझे पैसा वैसा कुछ नहीं चाहिए, और वैसे भी मेरे आगे पीछे कोई भी नहीं है जो तुम्हें कुछ बोलेगा। प्लीज ये गाड़ी मेरे ऊपर चढ़ा दो प्लीज। अबे ओए ये इमोशनल मुझे मत कर, जा कोई और गाड़ी देख, उसके नीचे जाके मर, चल निकल। हेलो एक मिनट, क्या बात है यार, तुम इतना परेशान क्यों लग रही हो? और तुम मरने भी जा रही थी? मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है, अब मैं मरना चाहती हूँ, प्लीज मेरी जान ले लो प्लीज। अरे यार कम से कम बात तो बताओ, क्या बात है? अभी 10 दिन पहले मेरे पति एक्सपायर हो गए, मेरे ससुराल वालों ने मुझे घर से निकाल दिया, और मेरे मायके वाले भी नहीं रख रहे, सब ऐसे ही बोल रहे कि मैं कलंक हूँ, मुझे मर जाना चाहिए। यार ये तो बहुत गलत किया उन्होंने तुम्हारे साथ। फिर यार मरना बातों का हल थोड़ी है, तुम खुद रह के भी तो बहुत कुछ कर सकते हो। ऐसी जिंदगी से अच्छा है कि मैं मर जाऊँ ना, वैसे भी कौन है मेरे आगे पीछे रोने वाला, सब लोग खुश हो जाएंगे, कहाँ जाके रहूंगी मैं, कुछ हद भी नहीं है मेरे पास। देखो यार तुम्हारी बातें सुनेंगे ना मुझे भी बहुत अजीब लग रहा है, लेकिन मैं क्या करूँ यार। तुम प्लीज एक काम कर दो ना, ये गाड़ी मेरे ऊपर चढ़ा दो प्लीज, मैं कुछ नहीं आने दूंगी तुम्हारे ऊपर नाम, प्लीज एक काम कर दो। देखो यार प्लीज मैं तुम्हारे के हाथ जोड़ता हूँ, तुम ऐसी बातें मत करो। अगर तुम्हें कोई दिक्कत ना हो तो मेरे पास में घर है, तुम मेरे घर पे रह सकती हो। तुम्हारे घर? लेकिन मैं कैसे तुम्हारे घर रह सकती हूँ, मैं तो जानती भी नहीं हूँ तुम्हें, और तुम भी मुझे नहीं जानते। देखो तुम डरो मत, मैं जानता हूँ तुम क्या सोच रहे हो, मैं घर में अकेला नहीं रहता, मेरी बहन भी साथ रहती है, तो तुम चाहो तो मेरे घर रह सकती हो। ठीक है मैं सिर्फ 10 दिन रहूँगी, उसके बाद मैं अपना ठिकाना ढूंढ लूँगी और फिर चली जाऊँगी तुम्हारे घर से। कोई बात नहीं, जब तक तुम्हारा मन करे तब तक तुम मेरे घर पर रह लेना। थैंक यू। थैंक यू कोई जरूरत नहीं है, मैंने तुम्हारी हेल्प इंसानियत के नाते की है। आ जाओ विशाखा, विशाखा ये किसे ले आया भैया? जी भैया ये देखो घर में नया मेहमान आया है। कौन है ये? अरे बहन कुछ दिन पहले ना इस बेचारी का हस्बैंड एक्सपायर हो गया था, तो ससुराल वालों ने इसके घर से निकाल दिया, और मायके वाले भी मना कर रहे इसको रखने के लिए। एक मिनट, कहीं आप ये तो नहीं सोच रहे ना ये हमारे साथ इसी घर में रहेगी? अरे बहन पहले मेरी बात ध्यान से सुन, ये बेचारी मेरी गाड़ी के आगे आ गई, ये मरना चाह रही थी, इसको मैंने प्यार से समझाया कि मरना हर बात का सोल्यूशन नहीं होता, तो मैंने इसको बोला है ये कुछ टाइम हमारे घर पर रहेगी, जैसे इसको जॉब मिल जाएगी ये यहाँ से चली जाएगी। अरे भैया पागल वागल हो गए हो क्या, किसी को भी मुँह उठा के घर पर ले आओगे? अरे बहन चुप रहे। एक मिनट, अगर आपकी बहन को प्रॉब्लम है तो मैं यहाँ पे नहीं रहूंगी, मैं चली जाती हूँ यहाँ से। अरे यार एक मिनट, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो छोटी है ना, उसको दुनियादारी का पता नहीं है, तो इसलिए सब बोल रही है, और बहन कुछ दिन रहेगी उसके बाद ये चली जाएगी यहाँ से, आ जाओ तुम। पर कमाल है, किसी को भी मुंह उठा के ले आएंगे भैया घर में? इस कमरे में रुक जाना तुम, ठीक है? अगर किसी भी चीज की नीड हो तो मुझे बोल देना, और छोटी बहन का बुरा मत मानना। कोई बात नहीं भैया, ये तो मेरा रूम है ना। तो क्या हो गया छोटी, दोनों तुम साथ में सो जाना। आपको पता है ना मैं शेयर नहीं करती किसी से रूम। देख बहन अगर ये तेरे साथ सो जाएगी तो क्या घट जाएगा? भैया जब मैं एडजस्ट नहीं कर सकती उसके साथ, और सबका ठेका आपने उठा रखा है क्या? देख छोटी
मैं इस घर का बड़ा सदस्य हूँ तो मेरे को पता है क्या ठीक है क्या गलत है। एक मिनट, अगर इसे कोई दिक्कत है तो मैं बाहर सोफे पे सो जाऊंगी या फिर नीचे जमीन पे सो जाऊंगी। हाँ हाँ, आपने बिल्कुल ठीक कहा, आप बाहर सोफे पे सो जाओ। अरे तुम कहीं नहीं सोओगे, तुम दोनों इस कमरे में सोओगे। पर भैया। पर कुछ नहीं, छोटी तेरे को एक बार बोल दिया ना, मान जाया कर। तुम दोनों इस कमरे में सो जाना, मैं दूसरे में सो जाऊंगा, ठीक है? अगर किसी भी चीज की नीड हो या तो इसको बोल देना या मुझे बोल देना। आप बैठ जाओ, मैं भी आ रही हूँ। एक मिनट, ये क्या कर रही हो तुम? चाय बना रही थी अपने लिए। तुम्हें किचन में आने की परमिशन किसने दी? क्यों, मैं किचन में नहीं आ सकती क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं आ सकती। इस घर को ना अपना समझने की जरूरत नहीं है। दो दिन के लिए आई हो ना तो दो दिन के लिए मेहमान बन के रहो, और तुम्हें रूम तक की परमिशन है। सिर्फ ऐसे तुम कहीं पे मुंह उठा के पूरे घर में नहीं घूमोगी। फिर अगर मुझे कुछ खाना पीना होगा तो मैं कैसे खाऊंगी? हाँ तो वो तुम्हारी प्रॉब्लम है कि तुम क्या खाओगे क्या पियोगी। लेकिन मुझे आदत है रोज सुबह चाय पीने की, इसलिए मैं चाय बनाने आई थी अपनी। हाँ तो मुझे क्या पता तुम कैसे चाय पियोगी, बाहर जाके पी लो। बाहर दुकान लगती है ना घर के बाहर, वहां जाके पी ले जा। ठीक है, तुम गुस्सा मत हो, मैं चली जाती हूँ। आई बड़ी महारानी, कितनी तेज है ये, अपना ही घर समझ के बैठ गई। इसका ध्यान रखना पड़ेगा। उठ गए तुम? हाँ उठ गई। चाय पी ली तुमने? तुमसे पूछ रहा हूँ, चाय पी ली? हाँ बस अभी अभी कप रख के आई हूँ अंदर। चलो अच्छी बात है। ये देखो मैं तुम्हारे लिए सूट लेके आया हूँ। सूट? लेकिन ये मैं कैसे ले सकती हूँ तुमसे? क्यों, जब मैं तुम्हें कोई फर्क नहीं समझता तो तुम क्यों समझ रही हो? तुम भी तो इस घर का हिस्सा हो अभी। वाह भैया, मेरे लिए तो आज तक नहीं लेके आया। अरे बहन मैं लेके तो आता हूँ तेरे लिए, तेरे को मेरी लाई हुई चीज पसंद ही नहीं आती। जितना प्यार से इसके लिए लेके आया ना उतने प्यार से मेरे ले लाते ना, तो क्यों नहीं पसंद आती? कोई बात नहीं, शाम को तेरे को मार्केट लेके चलूंगा, वहां पे अपनी पसंद का सूट ले लेना, ठीक है? बस रहने दो, ये रखो, देखो कैसा है। ये कलर तुम्हें पता है ना कि मैं विधवा हूँ, तो मैं ये कलर कैसे डाल सकती हूँ? किसने कहा विधवा ऐसा कलर नहीं डाल सकती? वो लोगों की पुरानी सोच है, और तुम आज के टाइम में जी रही हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम ये डालो। और इसमें तुम्हारी क्या गलती है यार, वो टाइम से पहले चले गए। तो ये सूट मुझे काफी अच्छा लग रहा है, कलर भी बहुत प्यारा है, मैं पहन लूंगी इसे, और शायद तुम्हें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना? नहीं नहीं कोई बात नहीं, अगर इसको पसंद है तो ये ले लेगी, कोई बात नहीं। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए शाम को दूसरा ले आऊंगा। पर भैया नया लाना ही क्यों है, मेरे पुराने कपड़े पड़े इतने सारे, वो दे दूंगी, वो पहन लेगी। हाँ ये ठीक ही तो कह रही है, और वैसे भी मैं ऐसे कपड़े डालती भी नहीं हूँ, जो ये मेरे को देगी मैं इसके डाली हूँ। नहीं मैं तुम्हारे लिए दूसरा लेके आऊंगा, और एक काम कर, इसके लिए खाना बना दे, मेरे को मार्केट में 10 मिनट काम है, मैं भी आता हूँ। तो कहीं की महारानी नहीं है जो तुम्हें तेरे लिए खाना बनाऊंगी, मैं खाना सिर्फ अपने भैया के लिए और अपने लिए बनाती हूँ। कोई बात नहीं, तुम लोग अपने लिए बना लो, और अगर तेरे भैया बोलेंगे तो मैं क्या दूंगी कि मैं नहीं बनाऊंगी, अपन तुझे कि मेरे लिए नहीं बनाएगी। समझदार तो काफी है वैसे तो। दो दिन से ऊपर हो रही है, तू तो घर से बाहर जाएगी नहीं। मैं भी देखती हूँ कौन रोकता है। ये क्या कर रही है तू? भैया इसे घर से बाहर निकाल रही हूँ मैं, वैसे भी दो दिन से ऊपर हो गए। अबे बहन तू कौन होती है घर से निकालने वाली इसको? इसको मैं अपनी मर्जी से लेके आया था, ये अपनी मर्जी से नहीं आई इस घर में। भैया आप इस विधवा की इतनी मेहर मत लो, आपको नहीं पता ये कितनी तेज है। तमीज से बोल। अरे वो विधवा है, उसमें उसकी क्या गलती, भगवान ने टाइम से पहले उसका पति उसे छीन लिया, उसमें इसका क्या कसूर? बेचारी का पति भी गया, ससुराल वालों ने इसको घर से भी निकाल दिया, ये बेचारी कहाँ जाए?
इसका तो जीना बेकार है। अगर मैं टाइम पे साथ नहीं देता ना तो आज ये जिंदा नहीं होती। माँ बाप ने अच्छे संस्कार दिए, थोड़ी बहुत तो शर्म कर ले उसकी। देखो प्लीज मेरी वजह से लड़ो मत, और तुम्हारे भाई ने हाथ उठाया ना तुम्हारे ऊपर, मैं माफी मांगती हूँ। लेकिन कोई बात नहीं, वो भी सही कह रही है, मैं कितने दिन रह लूंगी यहाँ पे, समाज सब लोग बातें करेंगे ना कि रिश्ता क्या है मेरा, मैं इस घर में क्यों रह रही हूँ, मैंने कभी ना कभी तो जाना है ना, तो इससे अच्छा मैं शांति से और प्यार से अभी चली जाती हूँ। तो इससे अच्छा वो तो क्या बोल रही थी कि मेरी क्या लगती है, जैसे तू मेरी बहन है ना, ऐसे मैंने इसको अपनी बहन मान रखा है, इसीलिए ताकि ये समाज मुझे गलत ना बोले, इसको गलत ना बोले। क्या मैं अपनी बहन को इस घर में नहीं रख सकता? सॉरी भैया, आप मुझे नहीं पता था आप इसको बहन मानते हो, और आपके पीठ पीछे मैंने पता नहीं इसके साथ क्या क्या कर दिया। सॉरी दीदी, मैंने आपके साथ इतना गलत करा और आपने भैया को कुछ भी नहीं बताया। कोई बात नहीं, मैं तो जब से इस घर में आई हूँ तुम्हें अपनी छोटी बहन ही माना है, तभी तो तुम्हारी कभी किसी बात का बुरा नहीं लगाया दिल से। ठीक है दीदी, आज से मैं आपको कुछ नहीं कहूँगी और खुशी खुशी रहेंगे। कोई बात नहीं, मैं कोई अच्छा सा लड़का देख के तुम दोनों की शादी करा दूंगा। ठीक है भैया, और हमेशा खुश रहना आप दोनों।